अर्णब गोस्वामी जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सभी साथी, देश विदेश में रिपब्लिक टीवी के सभी दर्शक, देवी और सज्जनों, अपनी बात बताने से पहले बचपन में एक चुटकुला हम सुनते थे, वो जरा बताना चाहता हूं। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की, तो एक चिट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूं, मैं जीना नहीं चाहती हूं, तो मैं कांकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, तो बिस्तर में चिट्ठी मिली, तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, बोले मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। मुझे खुशी है कि अर्णब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं। उन्होंने क्या बोला वो तो मैंने सुना नहीं, लेकिन हिंदी ठीक है कि नहीं वो मैं बराबर ध्यान से सुन रहा था। और शायद मुंबई में रहने के कारण आप हिंदी बराबर सीख लिए। साथियों, आप सबके बीच आना स्वाभाविक है कि आनंद होता है। अगले महीने रिपब्लिक टीवी के 6 साल पूरे हो रहे हैं। मैं आपको बधाई दूंगा, आपने नेशन फर्स्ट के अपने मिशन को डिगने नहीं दिया। हर प्रकार के रोड़े रुकावटों के बावजूद आप डटे रहे। कभी अर्णब का गला खराब हुआ, कभी कुछ लोग अर्णब के गले पड़ गए, लेकिन चैनल न रुका न थका और न ही थमा। साथियों, 2019 में जब मैं रिपब्लिक समिट में आया था, तब उस समय की थीम थी इंडियाज मोमेंट, और इस थीम की पृष्ठभूमि में देश की जनता से मिला जनादेश था। अनेकों दशकों बाद भारत की जनता ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत वाली स्थिर सरकार बनाई थी। देश को यह विश्वास हो गया था कि इंडियास मूवमेंट आ गया है। आज 4 वर्ष बाद आपकी समिट की थीम है टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी जिस ट्रांसफॉर्मेशन का विश्वास था वो अब जमीन पे दिख रहा है। साथियों, आज देश में जो बदलाव आ रहा है उसकी दिशा क्या है, इसको मापने का एक तरीका है अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार की गति। भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में लगभग 60 साल लगे, 60 ईयर्स। 2014 तक हम लोग किसी तरह $2 ट्रिलियन के मार्क तक पहुंच पाए थे।
यानी 7 दशक में 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था। लेकिन आज हमारी सरकार के 9 वर्ष बाद भारत आज लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी वाला देश है। बीते 9 वर्षों में हमने 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर तक की लंबी छलांग लगाई, और ये सब 100 साल के सबसे बड़े संकट के बीच हुआ है। जिस दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं फंसी हुई थी, उस दौर में भारत संकट से बाहर भी निकला और तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। साथियों, पॉलिसी मेकर्स से आपने एक बात अक्सर सुनी होगी, फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट, यानी किसी भी नीति का पहला और स्वाभाविक परिणाम। फर्स्ट ऑर्डर इंपैक्ट ही पॉलिसी का पहला लक्ष्य होता है और ये कम समय में दिखने लगता है, लेकिन हर पॉलिसी का सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट भी होता है। इनका प्रभाव गहरा होता है, दूरगामी होता है, लेकिन ये सामने आने में समय लगता है। इसकी कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमें कई दशक पीछे जाना पड़ेगा। आप लोग टीवी की दुनिया वाले 2 विंडो चलाते हैं ना, पहले और अब वाली, बिफोर एंड आफ्टर वाली, तो मैं भी कुछ वैसा ही आज करने वाला हूं। तो पहले जरा बिफोर की बात कर लेते हैं। साथियों, आजादी मिलने के बाद लाइसेंस राज वाली जो इकोनॉमी पॉलिसी अपनाई गई थी, उसमें सरकार ही कंट्रोलर बन गई, कंपटीशन खत्म कर दिया गया, प्राइवेट इंडस्ट्री को, एमएसएमईज को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। इसका पहला नकारात्मक प्रभाव तो यही हुआ कि दूसरे देशों के मुकाबले हम पिछड़ते चले गए, हम और गरीब होते गए। उन नीतियों का सेकंड ऑर्डर इंपैक्ट और भी बुरा हुआ। भारत की कंजम्पशन ग्रोथ दुनिया के मुकाबले बहुत कम रह गई। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर हुआ और हमने इन्वेस्टमेंट के मौके गंवा दिए। इसका तीसरा प्रभाव यह हुआ कि भारत में इनोवेशन का माहौल ही नहीं बन सका। ऐसे में न ज्यादा इनोवेटिव एंटरप्राइज बने और ना ही ज्यादा प्राइवेट जॉब्स क्रिएट हुई। युवा सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे रहने लगे। देश की कई प्रतिभाओं ने तब काम का माहौल ना देखकर देश छोड़ने तक का फैसला कर लिया। ये सब उन्हीं सरकारी नीतियों का थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट था। उन नीतियों के इंपैक्ट ने देश के इनोवेशन, हार्डवर्क और एंटरप्राइज की क्षमता को कुचल दिया। साथियों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो जानकर रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को भी जरूर अच्छा लगेगा। 2014 के बाद हमारी सरकार ने जो भी पॉलिसी बनाई है, उसमें ना केवल इनिशियल बेनिफिट्स का ध्यान रखा गया, बल्कि सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट को भी प्राथमिकता दी गई।
आपको याद होगा 2019 में इसी रिपब्लिक समिट में मैंने कहा था कि पीएम आवास योजना के तहत हमने 5 साल में 1.5 करोड़ परिवारों को घर दिया है। अब यह आंकड़ा बढ़कर 4.25 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इनमें से ज्यादातर घर उसका मालिकाना हक हमारी माताओं बहनों के नाम पर है। और आप जानते हैं आज एक एक घर लाखों की कीमत का बनता है, यानी करोड़ों गरीब बहनें, मैं आज बड़े संतोष से कहता हूं, लखपति दीदी बनी है। शायद इससे बड़ा कोई रक्षाबंधन नहीं हो सकता है। ये हुआ पहला इंपैक्ट। इसका दूसरा परिणाम यह सामने आया कि इस योजना से गांव गांव में रोजगार के लाखों अवसर तैयार हुए। और आप जानते हैं कि जब किसी के पास अपना घर होता है, पक्का घर होता है, तो उसका आत्मविश्वास कितना बढ़ जाता है, उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है, उसके सपने आसमान को छूने लग जाते हैं। पीएम आवास योजना ने देश के गरीब का आत्मविश्वास नई ऊंचाई पर पहुंचाया। साथियों, कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना के 8 वर्ष पूरे हुए हैं। ये योजना माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए शुरू की गई थी। मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ से अधिक लोन बांटे गए, जिनमें करीब 70% महिलाएं हैं। इस योजना का पहला प्रभाव तो स्वरोजगार में बढ़ोतरी के रूप में हमारे सामने है। मुद्रा योजना हो, महिलाओं के जनधन अकाउंट खुलना हो, या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन, आज इन योजनाओं से देश में एक बड़ा सामाजिक बदलाव होते हुए हम देख सकते हैं। इन योजनाओं ने आज परिवार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में महिलाओं की मजबूत भूमिका स्थापित कर दी है। अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जॉब क्रिएटर की भूमिका में आ रही है। देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। साथियों, पीएम स्वामित्व योजना में भी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट अलग अलग देख सकते हैं। इसके तहत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गरीबों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए गए, जिससे उन्हें संपत्ति की सुरक्षा का भरोसा मिला। इस योजना का एक और असर ड्रोन सेक्टर पर देखा जा सकता है, जिसमें मांग और विस्तार की संभावनाएं लगातार बढ़ रही है। पीएम स्वामित्व योजना को शुरू करने करीब करीब 2-2.5 साल हुए हैं, बहुत समय नहीं हुआ है, लेकिन इसका भी सोशल इंपैक्ट दिखने लगा है। संपत्ति कार्ड मिलने पर आपसी विवाद की आशंका कम हो गई है। इससे हमारी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था पर लगातार बढ़ रहा दबाव कम हो रहा है। इसके साथ ही गांव में जिस प्रॉपर्टी के कागज मिल गए हैं, उन्हें अब बैंकों से मदद मिलना और भी आसान हो गया है। गांव की इन प्रॉपर्टीज की कीमत भी बढ़ गई है। साथियों, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर इंपैक्ट के मेरे पास इतनी केस स्टडी है कि
कि आपका रन डाउन ही आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा। बहुत सारा समय इसी में निकल जाएगा। डीबीटी हो, बिजली, पानी, टॉयलेट जैसी सुविधाएं, गरीब व्यक्ति तक पहुंचाने की योजनाएं हो, इन सभी ने ग्राउंड लेवल पर एक क्रांति ला दी है। इन योजनाओं ने देश के गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सम्मान और सुरक्षा के भाव से भर दिया है। देश में गरीब को पहली बार सिक्योरिटी भी मिली है, डिग्निटी भी मिली है। जिन्हें दशकों तक यही एहसास दिलाया गया था कि वो देश के विकास पर बोझ है, वो आज देश के विकास को गति दे रहे हैं। जब सरकार ये योजनाएं शुरू कर रही थी तो कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन आज इन्हीं योजनाओं ने भारत के तेज विकास को गति दी है। ये योजनाएं विकसित भारत के निर्माण का आधार बन रही है। साथियों, बीते 9 वर्षों से गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग, हर कोई अपने जीवन में स्पष्ट बदलाव अनुभव रहा है। आज देश में बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ काम हो रहा है, मिशन मोड पर काम हो रहा है। हमने सत्ता के माइंडसेट को भी बदला है, हम सेवा का माइंडसेट लेकर आए हैं। हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है। हमने तुष्टिकरण नहीं, संतुष्टिकरण को अपना आधार बनाया है। इस अप्रोच ने देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए एक डिफेंसिव शील्ड, सुरक्षा का कवच का निर्माण कर दिया है। इस सुरक्षा कवच ने देश के गरीब को और गरीब होने से रोक दिया है। आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि आयुष्मान योजना ने देश के गरीबों के 80,000 करोड़ रुपए खर्च होने से बचाए हैं। जो गरीब के जेब से जाने वाला था, अगर ये योजना न होती तो इतने ही पैसे गरीब को अपनी जेब से खर्च करने पड़ते। सोचिए, हमने कितने ही गरीबों को और गरीब होने से बचा लिया है। संकट के समय काम आने वाली ये अकेली योजना नहीं है, बल्कि सस्ती दवाइयां, मुफ्त टीकाकरण, मुफ्त डायलिसिस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की सुविधा भी पहली बार करोड़ों परिवारों को मिली है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना देश की एक बहुत बड़ी आबादी के लिए एक और प्रोटेक्टिव शील्ड है। इस योजना ने कोरोना के संकट काल में किसी गरीब को भूखे नहीं सोने दिया। आज सरकार 4 लाख करोड़ रुपए सरकार इसी अन्न योजना पर खर्च कर रही है, चाहे वो वन नेशन वन राशन कार्ड हो या फिर जेम ट्रिनिटी, ये सभी प्रोटेक्टिव शील्ड का ही हिस्सा है। आज गरीब से गरीब को भरोसा मिला है कि जो उसके हक का है वो उसे जरूर मिलेगा। और मैं मानता हूं यही सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय है। ऐसी कितनी ही योजना है, इनका बहुत बड़ा असर भारत से
गरीबी को कम करने में हुआ है। आपने कुछ समय पहले IMF का एक रिपोर्ट आया जो है, एक वर्किंग पेपर, शायद आपने जरूर देखा होगा। ये रिपोर्ट बताती है कि ऐसी योजनाओं के कारण महामारी के बावजूद भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म होने की कगार पर है, और यही तो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन और क्या होता है साथियों? आप याद होगा, मैंने संसद में मनरेगा को कांग्रेस सरकार की विफलताओं के स्मारक के रूप में पहचान दी थी। उसकी 2014 से पहले मनरेगा को लेकर कितनी शिकायतें रहती थी। तब सरकार ने एक स्टडी कराई थी, स्टडी में सामने आया कई जगहों पर तो एक दिन के काम के बदले 30 दिन तक की हाजिरी दिखाई जा रही है, यानी पैसा कोई और हजम कर रहा था। इसमें किसका नुकसान हो रहा था? गरीब का, मजदूर का। आज भी अगर आप गांवों में जाएंगे और पूछेंगे कि 2014 से पहले मनरेगा में कौन सा प्रोजेक्ट बना है जो आज काम आ रहा है, तो आपको ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगेगा। पहले मनरेगा पर जो धनराशि खर्च भी हो भी रही थी, उसमें परमानेंट एसेस डेवलपमेंट का काम बहुत ही कम होता था। हमने स्थिति को भी बदला, हमने मनरेगा का बजट बढ़ाया, ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाई, हमने पैसा सीधे बैंक अकाउंट में भेजना शुरू किया और गांव के लिए रिसोर्स भी बनाए। 2014 के बाद मनरेगा के तहत गरीबों के पक्के घर भी बने, कुएं, बावड़ियां, नहरें, पशुओं के शेड, ऐसे लाखों काम हुए हैं। आज अधिकतर मनरेगा पेमेंट्स 15 दिन में ही क्लियर हो जाती है। अब करीब 90% से अधिक मनरेगा मजदूरों के आधार कार्ड लिंक हो चुके हैं। इससे जॉब कार्ड में फर्जीवाड़ा कम हुआ है। और मैं आपको एक और आंकड़ा दूंगा, मनरेगा में फर्जीवाड़ा रुकने की वजह से 40,000 करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचे हैं। अब मनरेगा का पैसा उस गरीब मजदूर के पास जा रहा है जो मेहनत करता है, जो अपना पसीना बहाता है। गरीब के साथ हो रहे उस अन्याय को भी हमारी सरकार ने समाप्त कर दिया है। साथियों, ट्रांसफॉर्मेशन की ये यात्रा जितनी समकालीन है उतनी ही फ्यूचरिस्टिक भी है। हम आने वाले अनेक दशकों की तैयारी आज कर रहे हैं। अतीत में जो भी टेक्नोलॉजी आई, वो कई कई दशकों या सालों के बाद भारत पहुंची। पिछले 9 वर्षों में भारत ने इस ट्रेंड को भी बदला है। भारत ने 3 काम एक साथ शुरू किए। एक तो हमने टेक्नोलॉजी से जुड़े सेक्टर्स को सरकार के कंट्रोल से मुक्त कर दिया। दूसरा, हमने भारत की जरूरत के मुताबिक भारत में ही टेक्नोलॉजी विकसित करने पर जोर दिया। तीसरा, हमने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मिशन मोड अप्रोच अपनाई।
आज आप देख रहे हैं कि देश में किस तरह और कितनी तेजी से 5G का रोल आउट हुआ है। हम दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़े हैं। 5G को लेकर भारत ने जो तेजी दिखाई है, जिस तरह अपनी खुद की टेक्नोलॉजी विकसित की है, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। साथियों, कोरोना काल में वैक्सीन का विषय भी कोई भूल नहीं सकता। जो पुरानी सोच और अप्रोच वाले लोग थे, वो कह रहे थे कि मेड इन इंडिया वैक्सीन की जरूरत क्या है, दूसरे देश बना ही रहे हैं, वो एक ना एक दिन हमें भी वैक्सीन दे ही देंगे। लेकिन संकट की घड़ी में भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना और परिणाम हमारे सामने हैं। और साथियों, आप कल्पना करो, जिस बात को लेकर के आपको इतनी खुशी होती है, उस हालात में जब निर्णय करने की स्थिति आई होगी, आप अपने आप को उस जगह पर रखो कि दुनिया कह रही है कि वैक्सीन हमारी ले लो, लोग कह रहे हैं बिना वैक्सीन मुसीबत आ रही है, मर जाएंगे, एडिटोरियल टीवी सब भरे पड़े हैं, वैक्सीन लाओ वैक्सीन लाओ, और मोदी डट करके खड़ा है। बहुत बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल मैंने रिस्क पे लगाया था दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के लिए। वरना मैं भी, अरे खजाना है खाली करो है ले आओ, एक बार लगा दो अखबार में, एडवर्टाइजमेंट दे दो, काम चल जाएगा। लेकिन हमने वो रास्ता नहीं चुना दोस्तों, हमने बहुत ही कम समय में दुनिया की श्रेष्ठ और प्रभावी वैक्सीन तैयार की। हमने तेज गति से दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सफल वैक्सीन अभियान चलाया। और आपको याद होगा, अभी तो जनवरी फरवरी में कोविड की शुरुआत भारत में शुरू अभी तो हुई थी, और भारत ने मई महीने में वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स बना दिया था। इतना एडवांस में सोच करके काम किया है। और यही वो भी समय था जब कुछ लोग मेड इन इंडिया वैक्सीन को नकारने में जुटे थे, न जाने कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए थे, पता नहीं किसका दबाव था, जाने क्या स्वार्थ था कि ये लोग विदेशी वैक्सीन के इंपोर्ट की पैरवी कर रहे थे। साथियों, हमारा डिजिटल इंडिया अभियान की भी आज विश्व भर में चर्चा है। मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था, शायद ही कोई देश ऐसा होगा जिसने मुझे डिजिटल इंडिया की डिटेल जानने की कोशिश न की हो, इतनी बड़ी चर्चा है। डिजिटल इंडिया को भी एक समय में ड्रिल करने की कोशिश हुई थी। पहले देश को डाटा बनाम आटा की डिबेट में उलझाया गया, और ये टीवी वालों को तो बजा मर जाता है, दो शब्द डाल देते हैं, डाटा चाहिए आटा चाहिए। जनधन, आधार, मोबाइल की ट्रिनिटी को रोकने के लिए इन्होंने संसद से लेकर कोर्ट तक क्या क्या प्रपंच नहीं किए। 2016 में जब मैं देशवासियों कहता था कि आपके बैंक को आपकी उंगली पर लाकर मैं खड़ा कर दूंगा, आपकी उंगली पर आपकी बैंक होगी, तो ये लोग मेरा मजाक उड़ाते थे।
कुछ छद्म बुद्धिजीवी तब पूछते थे, मोदी जी बताइए गरीब आलू टमाटर डिजिटली कैसे खरीदेगा। अच्छा यही लोग बाद में क्या बोलते हैं, अरे गरीब के नसीब में आलू टमाटर होता कहां है। ऐसे ही लोग हैं जी। यहां तक कहते हैं गांव में मेले लगते हैं, मेलों में लोग कैसे डिजिटल पेमेंट करेंगे। आज आप देखिए आपकी फिल्म सिटी में भी चाय की दुकान से लेकर लिट्टी चोखे के ठेले तक डिजिटल पेमेंट हो रहा है या नहीं। आज भारत उन देशों में है जहां डिजिटल पेमेंट्स सबसे ज्यादा हो रहा है दुनिया की तुलना में। साथियों आप लोग सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि सरकार इतना काम कर रही है, जमीन पर लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है, फिर भी कुछ लोगों को मोदी से इतनी परेशानी क्यों है। अब इसके बाद मीडिया वालों का समय शुरू होता है। और आज इसकी वजह मैं भी रिपब्लिक टीवी के दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये जो नाराजगी दिख रही है ना, ये जो बवाल हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों की काली कमाई के रास्ते मोदी ने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में आधी अधूरी आइसोलेटेड अप्रोच नहीं है, अब एक इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूशनलाइज अप्रोच है, ये हमारा कमिटमेंट है। अब आप बताइए जिसकी काली कमाई रुकेगी वो मुझे पानी पी पी कर गाली देगा कि नहीं देगा। वो कलम में भी जहर भर देता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जैम ट्रिनिटी, उसकी वजह से सरकारी स्कीम्स के करीब 10 करोड़, आंकड़ा कम नहीं है साहब, 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी बाहर हो गए हैं। ये 10 करोड़ वो लोग थे जो सरकार का बेनिफिट लेते थे, लेकिन ये 10 करोड़ वो थे जिनका कभी जन्म ही नहीं हुआ था, लेकिन इनके नाम सरकारी पैसा भेजा जा रहा था। आप सोचिए दिल्ली पंजाब हरियाणा की जितनी कुल आबादी है उससे भी ज्यादा फर्जी नामों को कांग्रेस की सरकार पैसे भेज रही थी। अगर ये फर्जी 10 करोड़ नाम हमारी सरकार सिटिंग से नहीं हटाती तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती। इतना बड़ा काम ऐसे ही नहीं हुआ है दोस्तों, इसके लिए पहले आधार को संवैधानिक दर्जा दिया गया, 45 करोड़ से अधिक जनधन बैंक खाते मिशन मोड पर खोले गए, अभी तक 28 लाख करोड़ रुपए डीबीटी से करोड़ों लाभार्थियों तक पहुंचाए गए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोई बिचौलिया नहीं,
कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई काली कमाई करने वाले लोग नहीं। और डीबीटी का सीधा सीधा मतलब है डीबीटी यानी कमीशन बंद, लीकेज बंद। इस एक व्यवस्था से ही दर्जनों योजनाओं कार्यक्रमों में ट्रांसपेरेंसी आ गई। साथियों, सरकारी खरीद भी हमारे देश में भ्रष्टाचार का एक बड़ा जरिया हुआ करती थी, लेकिन अब इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। सरकारी खरीद अब पूरी तरह जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर होती है। टैक्स से जुड़ी व्यवस्थाओं से कितनी परेशानी थी, क्या क्या परेशानी थी, इसको लेकर अखबार भरे रहते थे। हमने क्या तरीका निकाला, हमने सिस्टम को ही फेसलेस कर दिया। टैक्स अधिकारी और टैक्स पेयर का आमना सामना ही ना हो, ये व्यवस्था की। अब जो जीएसटी जैसी व्यवस्था बनी है उससे भी काली कमाई के रास्ते बंद हुए हैं। जब ऐसे ईमानदारी से काम होता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होनी बहुत स्वाभाविक है, और जिसको दिक्कत होगी वो कोई गली मोहल्ले के लोगों को गाली थोड़े देगा। साथियों, इसलिए भ्रष्टाचार की ये प्रतिनिधि डिस्टर्ब है। कुछ भी करके ये देश की ईमानदार व्यवस्था को फिर से ध्वस्त कर देना चाहते हैं। साथियों, इनकी लड़ाई अगर सिर्फ एक व्यक्ति मोदी से होती तो ये बहुत पहले सफल हो जाते, लेकिन ये अपनी साजिशों में इसलिए सफल नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि ये सामान्य भारतीय के विरुद्ध लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। ये भ्रष्टाचारियों का कितना भी बड़ा गठजोड़ क्यों बना बना ले, सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे आ जाए, सारे परिवारवादी एक ही जगह पे आ जाए, लेकिन मोदी अपने रास्ते से लौटने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ मेरी लड़ाई जारी रहेगी दोस्तों, और मैं देश को इन चीजों से मुक्त कराने के लिए प्राण लेकर के निकला हुआ इंसान हूं, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। साथियों, आजादी का यह अमृतकाल हम सभी के प्रयासों का है। जब हर एक भारतीय की शक्ति लगेगी, हर एक भारतीय का परिश्रम लगेगा, तो विकसित भारत का सपना भी हम जल्द से जल्द पूरा कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इसी भावना को रिपब्लिक नेटवर्क भी निरंतर सशक्त करता रहेगा। और अब तो अर्नब ने बता भी दिया है वो ग्लोबली जा रहे हैं, तो भारत की आवाज को एक नई ताकत मिलेगी। मेरी उनको भी बहुत शुभकामना है। और ईमानदारी के साथ चलने वाले देशवासियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती ही चली जा रही है, और वही भव्य भारत की गारंटी है दोस्तों। मेरे देशवासी ही भव्य भारत की गारंटी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उसी में मेरा विश्वास है। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।